Jai Ho! Subscribe the channel and press the bell icon. Would never miss updates from Charammangal. Ko bhav vandena sheshyate na sanidhya sugam namo arhantanam namo arhantanam namo arhantanam namo arhantanam arhant vitrak parmatma bodhidata shri sadguru dev aur agamvani ko bhavmay vandana upasthit bhavya atmaon ki bhavyata ko pranam श्रवण दर्शन में एक तथ्य बतलाया गया है कि हर जीव हर आत्मा अपने आप में परमात्मा है और हर आत्मा अपने स्वरूप में परमात्मा होते हुए भी जब तक विभावग्रस्त रहेगी राग द्वेषमय रहेगी तब तक वह एक साधारण संसारी आत्मा बनी रहेगी और वह कब तक विभावों में रहे और कब विभावों से छूटे इसका निर्णय करने के लिए ऊपर कोई सर्वोच्च सत्ता नहीं बैठी है। एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि हम कब तक कर्मों में बंधे रहे और कब कर्मों से छूटे इसको डिसाइड करने के लिए कोई दूसरा ऊपर ईश्वर भगवान परमात्मा हालेलुया गॉड अल्लाह ताला कोई नहीं बैठा है, कोई और डिसीजन नहीं लेगा। यानी हमारे डिसीजन किसको लेने? खुद को या किसी और को? क्या लगता है आपको, खुद को लेना है या कोई और लेगा? खुद को ही लेना है ना। ऐसा लगता भी है, फील भी होता है कि हमारे डिसीजन हमें ही लेने हैं। कोई और किसी दिन भगवान आएगा और कुछ ऐसा चमत्कार करेगा कि हमारे सारे बीमारियां दूर हो जाए, कर्म दूर हो जाए, दुख दारिद्र दूर हो जाए, रोग शोक दूर हो जाए और हम एकदम परमात्मा रूप हो जाए। ऐसा होने वाला नहीं है। ऐसे चमत्कार की आकांक्षा में बैठे रहने की, उम्मीद रखने की कोई प्रेरणा श्रवण दर्शन यानी जैन दर्शन नहीं देता। अन्य दर्शनों में कहा गया होगा कि एक दिन ईश्वर आएगा, एक दिन आएगा जब अल्लाह ताला सबका हिसाब किताब करेगा, एक दिन आएगा कयामत का दिन, एक दिन होगा जिस दिन जीव से उसकी इच्छा पूछी जाएगी और फिर उसकी इच्छा के अनुरूप उसको आगे का भविष्य दे दिया जाएगा। जैन दर्शन ऐसा नहीं कहता। जैन दर्शन बहुत स्पष्ट उद्घोषणा करता है कि हर जीव अपने भूत भविष्य की रचना स्वयं करता है। वह जैसा भी है उसके लिए वह खुद जिम्मेदार है, कोई अन्य नहीं। इतनी महत्वपूर्ण घोषणा। अगर इस घोषणा के हम सारे अभिप्रायों को अपनी जिंदगी के हर एक एस्पेक्ट से समझने की कोशिश करें तो हमारी बहुत सारी समस्याएं तो वैसे ही सुलझ जाएगी, क्योंकि हम में से अधिकांश लोग गहरे मनों से प्रतीक्षा करते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं कि कोई तो दिन होगा जब मेरा सौभाग्य उदय होगा, या कोई तो दिन होगा जब मेरी पुण्यवाणी प्रकटेगी, या कोई तो दिन होगा जब मेरी अंतराय टूटेगी, कोई तो दिन होगा जब मेरा भी कभी साधु समागम मिलेगा, सत्संग मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, या मुझे भी किसी दिन तो मोक्ष हो जाएगा।
हमारे सबके अवचेतन मनों में किसी न किसी ऐसे दिन की प्रतीक्षा होती है, किसी न किसी ऐसे निमित्त की प्रतीक्षा होती है, किसी न किसी सही समय की प्रतीक्षा होती है। और ये सारी प्रतीक्षाएं अज्ञान की वजह से होती है। हकीकत अज्ञान की वजह से होती है। जितने भी अंतराय है, अंतराय की कल्पना है, अंतराय की सोच है, ये जो अंतराय की सोच है, हकीकत में वह सोच ही अंतराय है और कुछ अंतराय नहीं है। अंतराय की सोच ही अंतराय है और कुछ अंतराय नहीं है। एक घर में हमारा ठहरना हुआ, ऊपर नीचे दो भाई रहते, दोनों के अलग अलग किचन, और जब महाराज साहब या महात्मा जी घर में आते हैं तो फिर तो सारे लोग इकट्ठे होते ही है, तो दोनों भाई भी इकट्ठे बैठे। और गांव वाले लोगों ने बोला कि 15 साल के बाद ऐसा हुआ है कि दोनों भाई एक ही दरी पर इकट्ठे बैठे हैं। गांव के लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए। प्रवचन पूरा हो गया तब छोटे भाई की पत्नी बोल पड़ी, तो महाराज साहब ये कैसी अंतराय है, एक ही घर में रहते हैं, दोनों जनों को साथ में खाना खाए हुए, साथ में बात किए हुए, 15 साल हो गए, ये कैसी अंतराय है, किसने डाली ये अंतराय, कहां से आई ये अंतराय और कब तक रहेगी ये अंतराय। शायद ये सवाल आप लोगों के मन में भी उठता होगा, नहीं? जब कोई रिश्ता टूट जाता है, जब कोई प्यार का संबंध विपरीत छोड़ के चला जाता है, जब जिनसे हमारे बहुत बातें हुआ करती थी उनसे अनबन हो जाती है, तब भी लोग उम्मीद करते कि कोई तो दिन होगा जिस दिन वापस अबोला बोला में बदल जाएगा, भाई भाई साथ बैठ के भोजन करेंगे। हम सब लोग उस अंतराय के टूटने के दिन की प्रतीक्षा कर रहे होते, नहीं करते ना? और फिर जिस दिन बोला हो जाता उस दिन क्या कहते, चलो आज अंतराय टूट गई, ठीक है। अब बताओ जरा अंतराय बनी कैसे थी और टूटी कैसे थी, और वो दिन निश्चित था या आदमी की सोच निश्चित थी, क्या था? अब तक के पिछले सारे अनुभवों से हम सब ने जो निष्कर्ष निकाला वो यही निकाला कि कोई दिन होता है। हम सबकी मान्यता इस बात पे है कि कोई दिन होता है, कोई घड़ी होती है, कोई समय होता है, कोई लोग आते हैं, कोई निमित्त मिलता है, उस दिन अंतराय टूटती है। और फिर हमने इतनी कहानियां सुनी है, चाहे वो राम भरत मिलाप की हो, चाहे वो सती अंजना और पवन कुमार के मिलाप की हो, चाहे वो राम सीता के वनवास वियोग काल और संयोग काल की हो, हम सब लोगों को लगता है कि ये अंतराय काल सापेक्ष है। अंतराय धर्म काल सापेक्ष है, हम सबको ऐसा ही लगता है और गहरे मनों में विश्वास है कि लड़ाई हो गई हो गई, अब बोलना कब होगा, तो हम कहते हैं जब अंतराय टूटेगी तब बोलना होगा। बिछुड़ गए बिछुड़ गए, मिलना कब होगा, जब अंतराय टूटेगी तब मिलना होगा, ऐसे ही ना, ऐसी मान्यता है ना। हमारी ये मान्यता सही है या नहीं, इस पे हमें गौर तो फरमाना होगा। अगर हम भाई आपस में लड़ लेते हैं और अपनी लड़ाई को अंतराय कर्म पे डाल देते हैं, और जब तक नहीं बोलते जिद्दी बने रहते हैं,
जब तक जिद्दी बने रहते नहीं बोलते, और जब तक नहीं बोलते तब तक अंतराय कर्म का नाम लेते रहते हैं, और जिस दिन बोल जाते उस दिन कहते अंतराय टूट गई। तो वो अंतराय आई थी और टूट गई, वो किसने देखी? देखी हाँ? अंतराय कहाँ है? सोचो तो सही। हमारे अपने राग द्वेषमय क्रियाकलाप ही, हमारी अपनी जिद ही हमें अपने आप को रोकती है। हम अपने प्रेम को खुद बाधा डालते हैं। कोई और बाधा डालता है या खुद डालते हैं? सोचना, अच्छे से सोच के बोलना, अपने अनुभव से बोलना। हमारे प्रेम को बाधा हम डालते हैं या कोई और डालता है? हम खुद ही डालते हैं ना। हमारे संबंधों को कोई और तोड़ता है या हम तोड़ते हैं? हाँ, हम ही तोड़ते हैं। और गलत फहमियां हमारे दिलों में कोई और पालता है या हम पालते हैं? हम खुद ही तो पालते हैं। और आप बहुत सारे आसपास के लोगों की जीवन स्टोरी को देख करके, पढ़ करके, सुन करके कहीं तो ये निष्कर्ष निकाल पाते होंगे कि इतने सारे लोग जो अंतराय अंतराय करते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, गलत फहमियों के शिकार रहते हैं, एक दूसरे के प्रति मन के अंदर अनेकों तरह की स्टोरी बुन करके बैठे हुए रहते हैं, अड़े हुए रहते हैं, जमे हुए रहते हैं, अपनी अपनी बात के प्रति, अपने अपने सिद्धांत के प्रति, अपने अपने आदर्श वाक्यों के प्रति, अपनी अपनी धारणाओं के प्रति, ये अड़ा हुआ रहने वाला व्यक्ति को बहाना बनाने के लिए मौका तो मिल जाता है कि भैया ये अंतराय है, लेकिन हकीकत ये है कि वो अंतराय नहीं, वो उसके अपने भीतर का अहंकार है। उसके अपने भीतर का अहंकार है जो जिद के रूप में उसके अंदर मौजूद रहता है। जिद्दी मतलब अहंकारी, जिद्दी मतलब आग्रही, मतलब हठी, मतलब अहंकारी आदमी। लेकिन उस जिद्दी आदमी को अपना अहंकार दिखलाई नहीं पड़ता, और वो जिद्दी आदमी क्या कह रहा होता है? पहले कभी की क्या जिद? कभी अड़ा था क्या? आज अड़ रहा हूं तो किसी अच्छे के लिए अड़ रहा हूं, सही के लिए अड़ रहा हूं, गलत के लिए नहीं अड़ रहा हूं। अड़ने वाला आदमी अपने अड़ने के लिए बहुत सारे तर्क देता है, नहीं देते? आप अपने भाई से नहीं बोलते हो तो आपके पास तर्क होंगे, आपके अपने मित्र से मित्रता हट गई है, आपके पास अपने लॉजिक्स होंगे ही होंगे ना। आप नाराज हो अपने रिश्तेदारों के प्रति, मन में नाराजगी पाले हुए हो, आपके पास अपने तर्क होंगे। हर गलत फहमी किसी न किसी तरह के तर्कों के आधार पर टिकी रहती है। हर जिद जिद्दी आदमी तर्कों का सहारा लेता है, और ये तर्क जो हमारी बुद्धि में भर दिए जाते हैं, या भ्रमित सोच की वजह से, भ्रमित बुद्धि की वजह से हमारे दिलों में स्थान पाते हैं, देखना जरा कि ये तर्क ज्ञान है या अज्ञान है। ये तर्क ज्ञान रूप है या मिथ्या ज्ञान रूप है? क्या है? अरे वाह, आप सब तो बहुत समझदार हो। हमारे दिमागों में जो ये तर्क है, जो हमें जिद्दी बनाते हैं, अहंकारी बनाते हैं, अड़ा हुआ आदमी बनाते हैं, ये सारे तर्क ज्ञान रूप है या अज्ञान रूप है? और मेरे इस सवाल का आपने बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया कि ये सारे तर्क अज्ञान रूप है, मिथ्या ज्ञान रूप है। अब ये सारे तर्क अगर मिथ्या ज्ञान है तो इस मिथ्या ज्ञान को सपोर्ट करने के वाले कौन है? अरे वाह, ये भी आपको पता है कि इस मिथ्या ज्ञान को सपोर्ट करने वाले हम स्वयं हैं। ठीक है,
तो हमें क्या पसंद है, ज्ञान या अज्ञान, सम्यत्व या मिथ्यात्व? देख लो, कहते थे हो कि ज्ञान पसंद है पर हमेशा ही सपोर्ट अज्ञान का करते हो, कहते थे हो कि सम्यत्व चाहिए लेकिन हमेशा ही मिथ्यात्व को वोट देते हो, वोटिंग करते हो। उन तर्कों को लगातार सपोर्ट दिए जाते हो जो तर्क हृदय के प्रेम को तोड़ते हैं, जो तर्क परस्पर प्रीति को, विश्वास को काटते हैं, उनको हम ही तो सपोर्ट दे रहे। तो अंतराय क्या हुई? अहंकार की वजह से अंतराय हुई, अज्ञान की वजह से अंतराय हुई, और ये अज्ञान की वजह से ही हमारी दृष्टि के ऊपर आवरण आया और हम गलत फहमियों के शिकार हो गए। गलत फहमी बोले तो दर्शनावरणीय कर्म, और ये दर्शनावरणीय कर्म क्यों आया? क्योंकि हमने मिथ्या ज्ञान को, यानी इस बुद्धि के तर्कों को बहुत सपोर्ट दिया। और बुद्धि का तर्क बहुत सारे सिद्धांतों का, शास्त्र वाक्यों का भी आग्रह लेकर के चलता है। ये जो नीति नियम, कानून, कायदे, सिद्धांत, शास्त्र वाक्य, इन सब का दुरुपयोग आदमी करता आ रहा है हर युग से, आज के युग की बात नहीं, प्राचीन काल से। अगर एक मनुष्य को किसी दूसरे मनुष्य से प्रेम हो गया तो उस प्रेम को तोड़ने के लिए भी हम लोग हमेशा शास्त्र वचन बीच में लाते हैं, नहीं ये प्रेम स्वीकार नहीं हो सकता क्योंकि एक फला जाति का है, एक फला जाति का है, और आप दोनों की जाति के अंदर कोई प्रेम मान्य नहीं हो सकता। यानी मनुष्य का मनुष्य से प्रेम मान्य नहीं है, जाति का जाति से प्रेम होना चाहिए, और वो जाति के आधार पर तय की गई थी। हमारे अपने कुछ पैमाने हैं जो हम बना लेते हैं। तो हमने मनुष्य को, प्रेम को तोड़ा, फिर जहां प्रेम नहीं है वहां पर भी रिश्ता इसलिए जोड़ना क्योंकि यहां पर हमारा स्वार्थ है, कंफर्ट लेवल है, और इस तरह से हम सारे लोग मिथ्या मापदंडों को हमेशा सपोर्ट देते चले गए, और वो मिथ्यात्व हमें इतना सही लगता है क्योंकि वो कॉमन है, हर जगह है, एवरीवेयर है, हमें इतना सही लगता है कि हमें कभी अपने उस मिथ्या मान्यताओं के ऊपर दृष्टि ही पैदा नहीं होती कि ये मान्यताएं कैसे हम लोगों को अलग करती है, ये मान्यताएं कैसे हमारे अंदर जिद पैदा करवाती है, अहंकार पैदा करवाती है, कठोरता पैदा करवाती है, वरना एक मनुष्य कठोर कैसे हो सकता है? एक मनुष्य कठोर कैसे हो सकता है कि वो खाना खाए और सामने वाले व्यक्ति को खाना ना खिलाए? हो सकता है क्या? उसको ठंड लग रही हो और दूसरे की ठंड उसे महसूस ना हो, एक मनुष्य कठोर कैसे हो सकता है? लेकिन हो जाता है, कठोर कठोर हो जाता है, चाहे पैसा बीच में आता है, चाहे पोस्ट बीच में आ जाती है, चाहे रिश्ते नाते बीच में आ जाते हैं, चाहे सिद्धांत वाक्य बीच में आ जाते हैं, चाहे हमारी परंपराएं बीच में आ जाती है, हमारी ट्रेडिशन ऐसी, तुम्हारी ट्रेडिशन ऐसी, हम दोनों की ट्रेडिशंस मैच नहीं करती इसलिए हम दोनों के विचार मैच नहीं करते इसलिए हमारा प्रेम खत्म। हम प्रेम को तोड़ देंगे लेकिन परंपराओं को रखेंगे, बिल्कुल सही है ना? अब परंपराएं क्या है? ज्ञानी का अनुभव है, ज्ञान है, आपका हमारा आत्मानुभव है, या क्यों सुनी सुनी बातें हैं, चली चली रिवाज है, जो हो सकता है किसी समय में ठीक रहे होंगे, आज ठीक नहीं है, आज के अनुसार जीना पड़ेगा हमें। हम परंपरा से चलते कैसे आ सकते हैं? हमारे बाप दादा धोती पहनते थे, वो क्या टोपी लगाते थे, आप लोग तो नहीं, धोती भी नहीं पहनते, टोपी भी नहीं लगाते, यहाँ तो परंपरा छोड़ दी आपने क्योंकि कंफर्ट लेवल था, लेकिन जहाँ झगड़ा करना हो ना वहाँ परंपरा नहीं छोड़ने वाले, जहाँ अपनी सुविधा हो वहाँ हम परंपराएं सब क्रांति कर लेंगे, जहाँ झगड़ा करना हो ना, अहंकार को स्थापित करना हो, वहाँ हम परंपरा का नाम लेकर के झगड़ा करेंगे, झगड़ा जरूर करेंगे, और फिर
झगड़ने में जब तक अपना सिक्का चल रहा है, अपना नाम ऊंचा आ रहा है, अपनी टांग ऊपर रख पा रहे हैं, तब तक तो हमें कभी फील नहीं होगा कि हम कोई अंतराय बांध रहे हैं या कोई अंतराय कर रहे हैं। जिस दिन हम नीचे हो जाएंगे ना, हमें कुछ खामियाजा भुगतना पड़ रहा होगा ना, हमारा कुछ लॉस हो रहा होगा ना, उस दिन हमें लगेगा ओ कितना अंतराय का फल भोग रहा हूं मैं। जब तक अपना प्रॉफिट हो रहा है किसको अंतराय लगेगा? जिस दिन अपना लॉस होगा उस दिन ख्याल आएगा ये कैसी अंतराय कर्म का फल है। और ऐसा ही होता है, हम सारे लोग इन चार घाती कर्मों से किस तरह से आबद्ध है, किस तरह से जुड़े हुए हैं। ये चार घाती कर्म है ज्ञानावरणीय, दक्षिणावरणीय, मोहनीय और अंतराय। और घाती कर्मों का सीधा संबंध हमारी अपनी सोच, विचार और भावनाओं से होता है, उसका संबंध कार्यों से नहीं होता। घाती कर्म और अघाती कर्म दो तरह के कर्म होते हैं। जैन सूत्रों में कर्मों को 8 भागों में बताया गया। जो कर्म जिसकी वजह से ये जीव परमात्मा नहीं है, अभी एक संसारिक आत्मा है, उन कर्मों को 8 भागों में क्लासिफाइड किया गया, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और अंतराय कर्म। इन 8 कर्मों में से वापस इनकी 2 क्लासेस बनाई गई, एक घाती कर्म और एक अघाती कर्म। घाती कर्म उसको कहते हैं जो हमारी सोच भावनाओं की वजह से बनते हैं और हमारी आत्मिक शक्तियों को कमजोर करते हैं, क्षीण कर देते हैं, आत्मिक शक्तियों पे डायरेक्टली कुठाराघात करते हैं। ये जो कर्म है वो क्रिया से नहीं बनते, वो विचारों से बनते हैं। बाकी के जो 4 कर्म है उनको अघाती कर्म कहते हैं। वो अघाती कर्म जो है उसमें क्रियाओं का ज्यादा रोल रहता है। यूं तो सारे कर्म में विचारों और विकारों का ही रोल रहता है, लेकिन अघाती कर्म उसको कहते हैं जो अपना रिजल्ट भी जब देंगे तो बॉडी पर ज्यादा इफेक्ट करेंगे, माइंड पर ज्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल लो वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म से क्या होता है, शरीर को साता मिलेगी या असाता मिलेगी। अब बीमार आदमी भी सामायिक में हो सकता है, समाधि में हो सकता है, अवधि ज्ञान प्राप्त कर सकता है, यहां तक केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है, क्योंकि बीमारी शरीर को कष्ट देती है, आत्मा को दे जरूरी नहीं। लेकिन आत्मा को जो कष्ट देता है, जो दुख का अनुभव कराता है, वो मोहनीय कर्म है। तो बीमारी के आने से दुख आएगा ये जरूरी नहीं है। हमारे श्रवण संघ के प्रथम आचार्य हुए आत्माराम जी महाराज साहब, आप लोगों ने सुना होगा उनके बारे में। एक समय ऐसा आया कि उन्हें ऑपरेशन कराना पड़ा, तो डॉक्टर बोला कि ऑपरेशन से पहले आपको एनेस्थीसिया दिया जाएगा। उन्होंने बोला आप ऑपरेशन करो, मैं बिना किसी बेहोशी की दवा लिए भी इस ऑपरेशन को खुद जागते हुए होश पूर्वक झेल लूंगा। डॉक्टर बोला ऐसा नहीं हो सकता, हम रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि मरीज जरा भी हाई ट्राई करता है तो ऑपरेशन नहीं हो संभव है, और ऑपरेशन कोई आसान बात थोड़ी है। शरीर पर डायरेक्ट शल्य चिकित्सा की जा रही है तो औजारों का प्रयोग होगा, तो आपको वेदना होगी। बोले कोई बात नहीं, मुझे ये वेदना दुख रूप नहीं प्रतीत होगी। क्यों नहीं प्रतीत होगी? क्योंकि मोह हो तो दुख होता है, मोह ना हो तो वेदना तो हो सकती है, दुख नहीं हो सकता। अनेकों महात्मा लोग हुए जिनके शरीर में बड़ी व्याधि थी लेकिन उनके भावों में बहुत समाधि थी। कुछ वर्षों पहले श्वेतांबर मूर्ति पूजक समाज में साध्वी विचक्षण और श्रीजी महाराज साहब हुए, उनके शरीर में कैंसर पैदा हो गया, असह्य वेदना उनके शरीर को होती थी लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा समाधि और शांति और प्रसन्नता रहती थी, क्योंकि उनके अंदर में वो जो शरीर के प्रति ममता है ना वो हट गई। तो मोह हटा, ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय हट जाएगा, अंतराय हट जाएगी, उसके बाद में वेदना तो हो सकती है लेकिन वेदना आपको कष्टदायी नहीं होगी। अब देखो जब मोह होता है
तो शरीर में वेदना न भी हो तब भी आदमी परेशान रहता है और परेशानियों के बड़े कारण ढूंढ लेता है, आज मुझे ज्यादा काम करना पड़ रहा है यही परेशानी है, आज रात नींद नहीं आई तो परेशानी है। हा? और फला आदमी ने दो शब्द सुना दिए तो भी आप परेशान हो गए, और जो दो शब्द सुना दिए वो शब्द लगे कहाँ भैया, कहीं लगे क्या? वो बोला बोला आपको परेशानी कैसे हुई, शब्द छुआ था क्या? लेकिन शब्द छू गया, पता है क्यों? क्योंकि मोह मौजूद था। जो मोह है वो घाती कर्म है, वेदनीय कर्म अघाती कर्म है, नाम कर्म गोत्र कर्म अघाती कर्म है, क्योंकि नाम गोत्र क्या करेंगे, शरीर की बनावट पे प्रभाव डालेंगे, जाति कुल खानदान बाहर की व्यवस्थाएं पैसा ज्यादा होना कम होना इन सारी चीजों पर प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन अंतराय सोच से होती है। इसीलिए देखना यह है कि हम सारे लोग इन गाती कर्मों का बंधन कैसे करते जा रहे हैं, लगातार करते जा रहे हैं, बुद्धि के दांव पेच को सपोर्ट करके अपने अहंकार को अपने आदर्शों को अपने सिद्धांतों को अपनी ग्रहित की गई सांप्रदायिक सोच को सांप्रदायिक मान्यता को इतना ज्यादा हम हावी कर देते हैं कि उनकी वजह से अगर आदमी लड़े तो लड़े और आदमी मरे तो मरे, लेकिन मेरी सांप्रदायिक सोच बरकरार रहनी चाहिए। ये सोच मिथ्यात्व है, मिथ्या ज्ञान है, और इस मिथ्या अभिनिवेश के वशीभूत होकर के हम लोग और अधिक महामोहनीय कर्मों का बंधन बांधते चले जाते हैं, और बड़ी मुश्किल से मिले हुए इस मनुष्य जन्म में जो ये बुद्धि मिली उस बुद्धि का दुरुपयोग करके हम वापस पशु योनि की यात्रा की तरफ बढ़ जाते हैं। पशु योनि से हम आदमी बने थे क्योंकि हमारे पास बुद्धि विकसित हुई, विवेक विज्ञान विकसित हुआ, लेकिन हमने इस विवेक विज्ञान का भरपूर दुरुपयोग किया, और दुरुपयोग किस तरह से किया, आदमी आदमी को काटा तोड़ा, परस्पर प्रेम को तोड़ा हटाया, आत्मीयता को घटाया, राग द्वेष को बढ़ाया, तेरी मेरी करते रहे, और उस तेरी मेरी के फलस्वरूप क्या हुआ कि जितना बुद्धि का दुरुपयोग किया उतनी बुद्धि वापस छीन ली गई, और जब बुद्धि छीन ली जाएगी तो या तो मंद बुद्धि बनकर के पैदा हो गई या त्रिअंश प्राणी बनकर के पैदा होना पड़ेगा, और क्या होगा, कैसे ना, उस सांप सीढ़ी का गेम अपन खेलते थे ना छोटे थे, तो खेला सबने सांप सीढ़ी का गेम, ना बच्चे खेलते हैं ना, आपके बच्चे आज भी खेलते होंगे, हाँ कैसे कभी कभी कोई बढ़िया सा एकदम वो पॉइंट आता है कि हमको सीढ़ी मिलती है, हम डायरेक्ट ऊपर चढ़ जाते हैं, है ना, और फिर जैसे ही ऊपर चढ़ते हैं थोड़ी देर के बाद में एक सांप काटता है और हम वापस नीचे गिर जाते हैं। देखो ना जरा कितने तरह के सांप हमने अपने चारों ओर घुमा रखे हैं, बना रखे हैं, बिठा रखे हैं, अपने दिलों में पाल रखे हैं, कि जब वो जहन में रखा हुआ सांप जब उठता है फुफकारता है बोलता है hey, मुझे ऐसा कैसे कह दिया, अरे मेरे गुरु को ऐसा कैसे कह दिया, मेरे धर्म को ऐसा कैसे कह दिया, मेरी परंपरा के लिए ऐसा कैसे कह दिया, मेरे शास्त्र के लिए, मेरे बच्चे के लिए, मेरी जमीन जायदाद के लिए, मेरी पत्नी के लिए, मेरे भाई के लिए, झगड़ा फसाद, और उस झगड़ा फसाद का परिणाम क्या कि हमने अपने राग द्वेष इतने बढ़ा लिए कि एक दूसरे के प्रेम को हटा दिया, जहां प्रेम तोड़ा, जहां आदमी की भावनाओं को आहत किया, आशातना की, चाहे वो प्राणी की आशातना हो, शास्त्रकार कहते हैं प्राण भूत जीव सत्व, आपने इनमें से किसी की भी आशातना की हो, एक प्राणी मात्र की भी आशातना की हो, तो वो जो दूसरों की आशातना की वो खुद की आशातना हुई, और जो खुद की आशातना की तो दूसरे की आशातना हुई, और इस आशातना की वजह से आदमी ने अपने भीतर के प्रेम को रोका, ज्ञान को रोका, अंतराय किया, और वो अंतराय कैसे हटेगा, किसी दिन हटेगा ऐसा इंतजार मत करो, कोई और आके हटाएगा इसका इंतजार मत करो, इसी पल अगर समझ आ गया हो तो अपनी जिद को छोड़ दो, एक ही बार, जो प्रेम तोड़ता वो धर्म नहीं, जो आदमी के प्रेम को तोड़ता है वो धर्म नहीं हो सकता। जैसे आप सब लोगों को और हमारे बहुत बड़े जैन समाज को एक सेंटेंस पकड़ा दिया गया
कि जहां हिंसा होती है वहां धर्म नहीं होता, पकड़ा है ना। तो लोगों ने इसकी व्याख्या करी, जहां लाइट चल रही है हिंसा हो रही है धर्म नहीं हो सकता, माइक चल रही है हिंसा हो रही है धर्म नहीं हो सकता, बिजली पानी का उपयोग है तो हिंसा हो रही है तो धर्म नहीं हो सकता, ये सेंटेंस पकड़ा दिया गया, ठीक है ना। अगर आप इस सेंटेंस को थोड़ा अलग और अच्छी तरीके से समझना चाहो तो समझो, जो जहां प्रेम तोड़ा जाता है वो धर्म नहीं हो सकता। अब तक आपने वो सेंटेंस सीखा ना कि जहां हिंसा है वहां धर्म नहीं, इसी सेंटेंस को थोड़ा और अच्छे से प्रैक्टिकल लैंग्वेज में कह रही हूं मैं, जहां प्रेम तोड़ा जाए, जहां परस्पर आत्मीयता हटाई जाए घटाई जाए वहां धर्म नहीं। पसंद आया सेंटेंस, समझ आया सेंटेंस? आदमी को बांटता वो धर्म क्या, आदमी को बांटता वो धर्म क्या, जो करे बेचैन दिल वह कर्म क्या, जो करे बेचैन दिल वह कर्म क्या, चित्त को देने चैन खुद को गैर को, चित्त को देने चैन खुद को गैर को, धार ले समभाव वो सच्चा ग्रही, धार ले समभाव वो सच्चा ग्रही, मुस्कुराहटे मेरी जो देख कर, मुस्कुराहटे मेरी जो देख कर, मुस्कुरा उठो अगर यूं आप भी, मुस्कुरा उठो अगर यूं आप भी, जीना वही जीना सही, जीना वही जीना सही, वो जीना सही जीना है जहां आपके चेहरे पे बिना किसी स्वार्थ की मुस्कुराहट हो और आपकी मुस्कुराहट को देखकर लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आती हो, ऐसा है क्या? देखना ना जरा अपना चेहरा, देखो हर थोड़ी देर में कि मुस्कुराता हुआ है या सीरियस है, कैसा है हा? कैसा है भाई साहब चेहरा, एकदम मुस्कुराता हुआ है या सीरियस है? सीरियस है ना, सीरियस है तो धर्म नहीं है, पाप कर्मों का बंधन हो रहा है, अंतराय हो जाएगी। चेहरे को एकदम मुस्कुराता हुआ बनाओ, प्रेम को जो तोड़ता है वो धर्म नहीं है। चाहे आपने वो सेंटेंस पकड़ा था, जहां हिंसा में धर्म नहीं, बात सही है, जहां हिंसा में धर्म नहीं, पर हिंसा का अर्थ नहीं समझे ना हम। हिंसा अंदर के भावों में होती है, विभावों में होती है, विकृत भावों में होती है, और जो विकृत भाव है ना वो आदमी को आदमी से तोड़ते हैं। और इन चीजों पे मत जाओ, ये बिजली पंखा, अरे ये सब तो हम सबको संसार में इस देह यात्रा को जीने के लिए कुछ आवश्यक साधन के रूप में है, और इनकी हिंसा तब तक नहीं होती जब तक हमारे भावों के अंदर में इनके प्रति लापरवाही का भाव ना आवे, प्रमाद का भाव ना आवे, अथवा मारने की बुद्धि से हम मारे तो हिंसा होती है, अन्यथा सहज क्रम है कि आदमी का जीवन बिना जीवनों के सहयोग से संभव ही नहीं है। हो तो बताओ, हम में से कोई आदमी है जो पानी पिए बिना जी सके या खाने को पकाए बिना खा सके? हम में से कोई आदमी है जो सांस लिए बिना जी सकता है? जब तक हम सहयोगी है, 13वें गुणस्थान वर्ती भी है, तब तक भी हमको लगातार पूरी सृष्टि का, सृष्टि के सारे जीवों का सहयोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लेना ही होगा। लेकिन जब हमारी बुद्धि खराब होती है, जब हमारे में कषाय पैदा होते हैं, वो कषाय कर्म बनाते हैं। जैन सूत्रों को पढ़ो तो समझ आएगा कि वहां स्पष्ट कहा कि कषायी और प्रमादी व्यक्ति कुछ ना करता हुआ भी हिंसक है, और अकषायी और अप्रमादी व्यक्ति पानी में चले तो भी हिंसा नहीं। अवंता मुनि का एग्जाम्पल ला, याद रखो, हाथी के होदे पे बैठा हो तो भी हिंसा नहीं। और यही उत्तराधन सूत्र स्पष्ट कहता है कि नदी में, नालों में, समुद्रों में भी लोग मुक्त हुए हैं,
अब सागर में कोई मुक्त हो सकता है, नदी में मुक्त हो सकता है, तो क्वेश्चन पैदा होगा ना, अरे पानी की एक बूंद में तो असंख्य जीव है। पर नहीं, उससे कोई प्रयोजन ही नहीं है कि कितने जीव है, प्रयोजन इस बात से है कि भेदभाव कितना है, राग द्वेष कितना है, प्रयोजन इस बात से है कि अंदर में कषाय प्रमाद कितना है। परिणाम है बंध हो, परिणाम है मुक्त हो, परिणाम में बंधन है, परिणाम में मुक्ति है, और ये परिणाम ही जो अंतराय पैदा करवा रहे, हमारे कषाय वाले परिणाम ही हमें एक दूसरे से काटते हैं, तोड़ते हैं, यही अंतराय है। और ये परिणाम की जब मंदता हो जाएगी, कषाय जब उपशांत हो जाएंगे, तो हमारे राग द्वेष खत्म होने लगेंगे, तो हमारे किसी के साथ कोई वैर विरोधी नहीं होगा, तो संबंध क्यों बिगड़ेंगे, नाराज भाई क्यों होगा, पिता नाराज क्यों होगा। कषाय है तो नाराजगी है, क्रोध है, घमंड है, जिद है, अड़ा हुआ है, बाप अपनी जगह अड़ा हुआ है, बेटा अपनी जगह अड़ा हुआ है। और कितनी गजब की बात है कि कई बार लोग केवल बातों के लिए अड़े हुए हैं, पैसे की कोई लेन देन नहीं भी है ना, तो भी अपने विचारों को लेकर के अड़े हुए हैं, और इस वजह से एक दूसरे से टूटे हुए हैं। ये जो विचारों का आग्रह है, ये बतलाता है कि हमें जैन दर्शन का कोई ज्ञान नहीं है। अगर जैन दर्शन का ज्ञान होता तो जैन दर्शन अनेकांतमयी बात करता है, अनेकांत दर्शन की बात करता है, स्यादवाद की बात करता है। अनेकांत दर्शन यानी हर व्यक्ति का व्यू पॉइंट अलग अलग होता है, सबको एक्सेप्ट करो, किसी को रिजेक्ट मत करो, किसी को पकड़ के मत बैठो, क्योंकि एक को पकड़ के बैठा, एक को अपना कहा, तो दूसरा पराया खुद में खुद हो गया। इसलिए ना कोई अपना ना कोई पराया, सबको स्वीकार करो। जिंदगी जब जैसी जिस मोड़ पे आए, जो लोग मिले, जैसा लोग मिले, सब में गुणग्राही बनो, सबको स्वीकार करो। मत बोलो मैं तुम्हें नहीं मानता, मैं तुम्हें नकारता हूं। अरे भैया, मैं है कौन मानने वाला और नकारने वाला, वो मैं क्या है जरा उसकी तो परिभाषा बता दो। कुछ मान्यता और कुछ विचारों का जोड़ी तो मैं है, लेकिन हम साधु बन के भी इतने आग्रही और घमंडी हो जाते हैं कि हम साधु लोग भी कह देते हैं हम नहीं मानते। अरे भैया, हम है कौन मानने वाले या नकारने वाले, हमें मानना नहीं है, हमें अनेकांत आलोक में जानना है, सत्य को जानना है। और सत्य को जानने वाले व्यक्ति में कभी आग्रह, दुराग्रह, कलह, क्लेश होता ही नहीं। और जो बिना सत्य को जाने केवल अपनी बातों को पकड़ करके बैठा है, वो मिथ्यात्वी व्यक्ति लगातार अपने मानने नहीं मानने की इतनी बड़ी बड़ी उद्घोषणाएं करता है कि वो लोगों के प्रेम को तोड़ देता है, संघ समाज को तोड़ देता है। और जो संघ समाज को तोड़ता है, वो पूरे समाज का हिंसक हत्यारा बन जाता है। इसलिए इस हिंसा से बचो, जो समाज को तोड़े, जो परस्पर साधर्मी भाइयों के प्रेम को तोड़े, जो परस्पर परिवारों को तोड़े, जो परस्पर रिश्तों को तोड़े, उस हिंसा से बचो। और वो हिंसा चाहे किसी भी नाम पे क्यों ना की जा रही हो, चाहे कोई भी तर्कों का सहारा लेकर के क्यों ना चल रही हो, वे सारे तर्क जो आदमी के प्रेम को तोड़ते हैं, आत्मीयता को हटाते हैं, आनंद भाव को हटाते हैं, वे सारे तर्क ज्ञानावरणीय है, ज्ञान नहीं है, मिथ्या ज्ञान है, मिथ्यात्व है। अगर ये बात आपको समझ आ गई है, अगर ये बात हम में से किसी को भी समझ आ गई है, तो शायद इस प्रवचन सभा के बाद आप कहोगे नहीं कि अंतराय है, किसी दिन टूटेगी। आप जानते हो कि वो अंतराय आपका विचार है, और विचार हटा और अंतराय हटी। आपका वो जिद हटी, आपका वो अहंकार हटा, और आपके जीवन से अंतराय हट जाएगी। क्योंकि अंतराय घाती कर्म है, अघाती नहीं है, फिजिकल नहीं है, मेंटल है, भावनात्मक है, भौतिक नहीं है। इसलिए भावनात्मक कर्म को भावना बदलने से ही हटाया जा सकता है। बदलो ना भावना भाई साहब, क्यों अपने आप से नाराज बने बैठे हो। जब आप अपने भाई से नाराज होते हो तो खुद से होते हो, जब अपनी पत्नी से नाराज होते हो तो खुद से नाराज होते हो, जब पड़ोसी से नाराज होते हो तो खुद से नाराज होते हो, जब बेटे से नाराज होते हो तो खुद से नाराज होते हो, होते हो या नहीं? हाँ, जब किसी से भी नाराज होते हो, आप अपने आप से नाराज हो रहे होते हो। और ये नाराजगी क्यों,
मिथ्यात्व के पोषण में नाराजगी चलती है। मिथ्यात्व का पोषण ना हो, यानी गलत सोच का पोषण ना हो, तो नाराजगी नहीं टिक सकती है। और जहाँ नाराजगियाँ है वहाँ ताजगी नहीं, या तो नाराजगी या ताजगी। ताजगी में धर्म है, नाराजगी में पाप है। इसीलिए इस नाराज होने की आदत को, अगर आप नाराज होने की आदत को छोड़ सको, नाराज होने की आदत को छोड़ सको, आप बहुत साधु संतों के पास गए ना, बहुतों ने आपको पचकान कराए होंगे। किसी ने कहा होगा कंदमूल छोड़ो, किसी ने कहा होगा रात्रि भोजन छोड़ो, किसी ने कहा होगा होटल में खाना छोड़ो, है ना। हमारा तो छोटा सा कहना है, भाई नाराज होना छोड़ो, भाई नाराज होना छोड़ दो। नाराज होते हो तो अंतराय देते हो, अपने प्रेम को अंतराय देते हो, अपने हृदय से पैदा होने वाले प्रेम को खुद रोक देते हो, अपने भीतर से पैदा होने वाली खुशी को खुद रोक देते हो, अपने भीतर से पैदा होने वाले आनंद भाव को खुद रोक देते हो, सेवा भाव को रोक देते हो, समर्पण भाव को रोक देते हो। ये जो आप अपने भावों को रोकते हो ना, इस रोकने की प्रक्रिया को बंद करो। बस इतना ही मेरा कहना है, अपने आप से नाराज मत बनो और अपने प्रेम को रोकने की प्रक्रिया को बंद करो। इतना सा कर पाओ तो बहुत आनंद। जय हो, जय हो, जय हो।